हे एवरीवन, सो दिस इज़ चैप्टर 7 क्लास 6, और ये है हमारी कंट्री के बारे में। हमारा भारत देश, भारत देश महान, जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते हैं। सो आज बात करते हैं क्लास 6 में जो भी आप कह सकते हो कि बेस क्रिएट किया जाता है बच्चों का। सो हियर वी हैव टू क्रिएट आर ओन बेस ऑल्सो, जो कि कुछ फैक्ट्स हैं शायद हमें याद ना रहे हों, तो उसको ब्रश अप करने के लिए वी विल कवर दिस चैप्टर एंड विच इज़ मैंशनड हियर। तो इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इट्स अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस एंड इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ, इट इज़ बाउंडेड फ्रॉम हिमालय, अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, और इंडियन ओशन साउथ में है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ पूरा चारों तरफ से जो भी कवर्ड हैं बॉडीज। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, दैट इज़ 3,200 किलोमीटर, एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ 2,900 किलोमीटर। अगर आप लोफ्टी माउंटेन्स की बात करती हो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एंड उसके अलावा नॉर्थ प्लेन्स, नॉर्थ एंड अनइवन प्लेटूज हैं, सरफेसेस हैं, कोस्ट लाइन्स हैं, आइलैंड हैं, उसके अलावा डाइवर्सिटी है लैंडफॉर्म्स की, एंड दिस इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट। वेजिटेशन की बात करें चाहे हम, तो अगर या फिर कल्चर की बात करते हैं, वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, या फिर बर्ड्स जितने भी एनिमल्स हैं प्रेजेंट हैं, अगर इंडियन लैंड के ऊपर बात करते हैं, एंड दैट इज़ बाइंड अस एज वन नेशन। चाहे कल्चरली इतना डाइवर्सिटी हो, डाइवर्सिटी इन यूनिटी है इंडिया में, एंड इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। इट इज़ सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना के बाद अगर हम बात करते हैं। लोकेशन सेटिंग्स की बात करते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 23.5 नॉर्थ में है, एंड ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, उस आधे से कवर जाती है, मतलब अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 degrees 4 minutes नॉर्थ एंड 37 degrees 6 minutes नॉर्थ लेटीट्यूड्स में, और वेस्ट से ईस्ट की बात करते हैं, तो 68 degrees 7 minutes ईस्ट एंड 97 degrees 25 minutes ईस्ट लॉन्गीट्यूड्स में है। तो उसका कंट्री का जो एक्सटेंट्स है वो मेंशन करना है। अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट, जैसे इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं, लार्जेस्ट कंट्रीज विच स्ट्रेचेस एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, डू यू नो विच इज़ दैट? दैट इज़ द होल कंट्री, द USA एंड कैनेडा हैव 7 and 6 टाइम जोन रिस्पेक्टिवली, अगर हम टाइम जोन्स की बात करते हैं तो। सो यहाँ पे इंडिया का जो भी कंडीशन दिया हुआ है, जोग्राफिकल कंडीशन, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इस अगर आप इसकी बात करते हैं, तो 2900 meters, और अगर हम बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ 3200 किलोमीटर्स। सो ये जो भी लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गीट्यूड्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। सनराइजेस, जो भी कुछ फैक्ट्स हैं, सनराइजेस अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में देन द वेस्ट गुजरात में, उसके बाद 2 घंटे का डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम जोन में। एंड यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकेशन टाइम ऑफ लॉन्गीट्यूड 32 degrees and 30 minutes ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि मैंने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में लास्ट चैप्टर में भी बात की थी। उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है लैटीट्यूड एंड लॉन्गीट्यूड में, तो ये 88 degree के, जैसे 80 degree है, 88 degree है, तो उसके अलावा 82 degree पे बीच से होकर गुजर रही है, तो वो आपको देखना है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो आपको ये भी डिवाइड्स जो हैं वो एक बार ध्यान में रखना है। रेंजेस की बात करते हैं, ग्रेट हिमालयन रेंजेस, उसके अलावा प्लेटूज की बात करते हैं, विंध्या रेंजेस है, वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, तो ये आपको
जब आप मैप करोगे तब आपको हेल्प करेगा। चैप्टर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो इसमें फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं कि ग्रेट हिमालय या फिर आप हिमाद्री कह सकते हो, मिडल हिमालय, तीन उसमें हिमालय डिवाइडेड है, और थर्ड है शिवालिक। उसके बाद अगर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, विंध्या, सतपुड़ा, नर्मदा, तापी एंड शाद्री, वेस्टर्न घाट्स, तो ये सारे कुछ डिवाइडेड हैं। तो बाकी इसमें एज सच बहुत कुछ नहीं है वो करने के लिए, आपको सिर्फ ये चैप्टर जो है ये आपको मैप में ही देखना होगा और मैप में ही अच्छे से कवर करना होगा। सो वंस आई विल कम्प्लीट द मैप, बिकॉज ये एक्सटेंट्स आपको खुद से ही बनाने पड़ेंगे, इसमें एज सच कुछ समझने वाला नहीं है। बाकी आपको ट्रिब्यूटरीज और एलोवियल डिपॉजिट्स क्या हैं, तो ट्रिब्यूटरीज जो है किसी मेन नदी से जो ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, और एल्यूवियल डिपॉजिट की बात करते हैं जो भी सॉइल नदी बहा के ले जाती है और वो एक बेड का फॉर्मेशन करती है, सॉइल बेड्स का, उसको आप कह सकते हो कि डिपॉजिट्स कहा जाता है, मेनली रिवर डिपॉजिट। सो इट वॉज ऑल अबाउट इंडिया एंड इट्स एक्सटेंट। होप I'm able to make you understand and you like the chapter and the video. Till then, thank you so much. Please share and subscribe the channel for more videos, for the motivation as well. It doesn't take anything, not a single penny. Thank you.